चुनाव का समय है, सरकार सभी को कुछ ना कुछ दे रही है। ऐसे में पानीपत की गुरु ब्रह्मानंद गौशाला सोसाइटी ने सीएम समेत उन बीजेपी सांसदों से वो राशि मांगी जिसकी उन्होंने एक साल पहले सालाना समारोह में घोषणा की थी। सबसे ज्यादा सीएम मनोहर लाल ने 21 लाख देने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि पानीपत के अहरकुराना गांव की ये वही गौशाला है जहां कभी भूख प्यास और धूप से अनगिनत गायों की मौत हो रही थी। पानीपत की एक गौशाला की पुकार हमारी भी तो सुनो सरकार। ये रिपोर्ट है पानीपत के गांव अहरकुराना की गुरु ब्रह्मानंद गौशाला समिति की। आज तो ये गौशाला अच्छे हाल में है, पर पहले कैसी थी सुनिए। बस बहुत ही बुरे हालात थे इसके, कोई चारा नहीं था, पूरा गाय की रोज मृत्यु हो रही थी, तो सुधार नहीं थे इसमें। तो जैसे गाँव वाले ने हमें कहा अभी आप इसका नहीं सेवा का मौका दिया हमें, तो हमने भी 2017 में इसको लिया था। गौरतलब है कि 15 साल पहले पानीपत के आरती नरेश गर्ग ने भूख प्यास और धूप से मर रही 200 गायों की सेवा संभाली थी और कई दानदाताओं से गौशाला को जोड़ा। पिछले साल इस गौशाला की सालाना समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी ग्रांट से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जो एक साल बाद भी समिति को अभी नहीं मिले। मौजूदा राज्यसभा सांसद और इसी विधानसभा से 5 बार विधायक रहे कृष्ण पवार ने 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। 5 लाख दिए, उनके भी अभी 6 लाख रुपए बकाया हैं। करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने 11 लाख और रोहतक के बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। सांसद संजय भाटिया ने मंच से चुटकी लेते हुए कहा कि डॉक्टर साहब ये 2.5 लाख भी मैं ही दे दूंगा, बस आप रोहतक में ही रहो, मेरे नाम 14 लाख रुपए लिख लो। ये 14 लाख रुपए अभी तक नहीं आए। गौ सेवा का असर देख लीजिए, जब समिति के लोग टोटल न्यूज को समारोह का निमंत्रण देकर गए तो 1 घंटे बाद एक्सियन PWD का उन्हें फोन आया कि 14 लाख की राशि मंजूर हो गई है, किसी अप्रूव्ड ठेकेदार से अपना शेड निर्माण का काम करवा सकते हैं। पिछले साल तो मेन घोषणा सीएम साहब की थी 21 लाख रुपए की, वो अब तक नहीं आई, एक पैसा भी नहीं आया। एक साल हो गया पूरा। और सांसद ने भी की थी, सांसद ने भी की थी, 11 लाख रुपए अरविंद शर्मा संजय भाटिया ने किए थे और 2.5 लाख रुपए अरविंद शर्मा के थे, अब तक तो आए नहीं है। वो बोल रहे हैं हमें भेज दिए एक्सटेंशन साहब को, तो अभी तक तो एक पैसा भी नहीं आया। कब भेजी उन्होंने? 1 महीना पहले की बात है। मैं वैसे तो सफीदो श्री स्वामी गौ रक्षानंद गौशाला है हमारी, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो उसके साथ साथ मैं पुराना गौशाला में भी महीने में 1-2 चक्कर लगाता रहता हूँ। 2017 में जब भाई साहब ने नरेश गर्ग जी ने इसका कार्यभार संभाला था, उससे पहले इस गौशाला के अंदर नियर अबाउट 200 गाय थी और उनकी भी दयनीय स्थिति थी, जो कि काफी बीमार थी, मृत्यु दर ज्यादा थी। इनके संभालने के बाद इस गौशाला के अंदर आज 1200 गौवंश हैं, पूरे मतलब शारीरिक तौर पर हष्टपुष्ट हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार भी इसी गांव के रहने वाले हैं और वो भी पिछले समारोह में मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मौजूद थे। खास बात ये कि पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को इस बार के समारोह में आयोजकों ने आमंत्रित नहीं किया, अब गो भक्तों और सामाजिक लोगों को ही निमंत्रण दिया जा रहा है। जैसे विजय जैन जी थे, उन्होंने 11 लाख रुपए की घोषणा की थी, वो आ गए। जगदीश जैन जी थे, उनके भी पैसे आ गए हैं। तो सबके जो सामाजिक आदमी है, सबके ही पैसे आ चुके हैं। जो सरकार की तरफ से जो घोषणाएं हुई थी उसमें से 1 रुपया भी अभी तक नहीं आया है। हम हर साल की तरह, जैसे इस साल हमारा 6ठा वार्षिक महोत्सव है और हम आपको जो है इनविटेशन देने के लिए आए हैं कि भी आप आओ एक बार देखो गौशाला। गौरतलब है कि ये देखा गया है कि गौ सेवा हमेशा फलदायी होती है। सियासत से जुड़े लोग गौ माता के साथ तो ऐसा नहीं ही करेंगे। ओवर टू नेताजी। नरेश गर्ग जो है ये उत्तराखंड के जो DGP हैं अशोक कुमार, उनके बड़े भाई हैं। DGP के बड़े भाई होने के नाते एक बिजनेसमैन है, आड़ती है, लेकिन गौओं को लेकर इनके मन में बहुत सम्मान है और उनकी सेवा करते हैं और शायद उसी सेवा की बदौलत ये मानते हैं कि भगवान ने हमें परिवार में सुख शांति समाज में प्रतिष्ठा दी है, तो गौ सेवा का फल इन्हें मिल रहा है। कैमरामैन राजेश कुमार, सहयोगी श्रीनिवास के साथ, देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, ब्यूरो।